आईपीएल 2023 में चेन्नई सुपर किंग्स 3 मैच खेल चुकी है, जिसमें सीएसके को 2 मैच में जीत मिली और 1 में हार। लेकिन तमिलनाडु विधानसभा में सीएसके को लेकर बवाल मचा हुआ है। विधानसभा में पीएम के विधायक ने सीएसके पर बैन लगाने की मांग की है। विधायक का कहना है कि सीएसके तमिलनाडु से है, लेकिन टीम में तमिलनाडु का कोई भी खिलाड़ी नहीं। हुआ यूं कि 11 अप्रैल के दिन तमिलनाडु विधानसभा में खेल बजट पर चर्चा हो रही थी। इस दौरान पट्टाली मक्कल काची यानी पीएमके पार्टी के विधायक वेंकटेश्वरन ने सीएसके पर बैन लगाने की मांग की। उन्होंने कहा, चेन्नई सुपर किंग्स तमिलनाडु की टीम है जिसमें तमिल खिलाड़ी नहीं है, इसलिए इस पर बैन लगाना चाहिए। भले ही तमिलनाडु में कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, लेकिन एक भी सीएसके में जगह नहीं बना पाया है। टीम में दूसरे राज्यों के खिलाड़ियों को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। इंडिया टुडे से जुड़े प्रमोद माधव की रिपोर्ट के मुताबिक पीएमके के विधायक वेंकटेश्वरन ने आगे आरोप लगाया कि सीएसके को एक तमिल टीम के रूप में प्रमोट किया जाता है, इससे सीएसके को तमिल विज्ञापन मिलने में आसानी होती है और टीम को फायदा मिलता है, इसलिए तमिलनाडु सरकार को सीएसके को बैन कर देना चाहिए। सरकार की तरफ से अभी इस पर कोई बयान नहीं आया है, लेकिन इससे पहले भी सीएसके पर बैन लग चुका था। ये मामला आईपीएल सीजन 6 की स्पॉट फिक्सिंग से जुड़ा हुआ था, जब दिल्ली पुलिस ने मुंबई से पूर्व क्रिकेटर एस श्रीसंत सहित राजस्थान रॉयल्स के 3 खिलाड़ियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक 2013 में मुंबई में राजस्थान रॉयल्स बनाम मुंबई इंडियंस, 5 मई को जयपुर में हुए राजस्थान रॉयल्स बनाम पुणे वॉरियर्स और 9 मई को मोहाली में हुए राजस्थान रॉयल्स बनाम किंग्स इलेवन पंजाब के मैचों में स्पॉट फिक्सिंग हुई थी। उस वक्त इस मामले में 3 खिलाड़ियों और 11 सटेरियों को गिरफ्तार किया गया था। धीरे धीरे इस मामले में देश में क्रिकेट को चलाने वाले लोग भी जुड़ने लगे। पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष एन श्रीनिवासन के दामाद गुरुनाथ मैयप्पन की भी इसमें गिरफ्तारी हुई। बाद में इस मामले में दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में कुल 42 लोग आरोपी बने थे। कोर्ट ने इस मामले में सीएसके को आईपीएल 2016, आईपीएल 2017 से बैन कर दिया था। अब एक नजर इस साल के सीएसके स्क्वाड पर भी डाल लेते हैं। इसमें एमएस धोनी, रविंद्र जडेजा, डेवोन कॉनवे, ऋतुराज गायकवाड़, अंबाती रायडू, सुभ्रांशु सेनापति, मोइन अली, शिवम दुबे, राजवर्धन हैंगरेकर, ड्वेन प्रिटोरियस, मिशेल स्टैनर, दीपक चाहर, तुषार देशपांडे, आकाश सिंह, मिथिशा पिथारिना, सिमरनजीत सिंह, प्रशांत सोलंकी, महेश ठीकशाना, अजिंक्य रहाणे, पेन स्ट्रोक्स, शाक रशीद, निशान सिंधु, अजय मंडल, भगत वर्मा, मुकेश चौधरी और काइल जैमिसन शामिल हैं। अब इस खबर पर आपकी क्या राय है, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स खुला है। खबर लिखी मेरे साथी मनीषा ने, मेरा नाम है सोनल, देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए ललन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।